रेड पम्पकिन सूप, इसके लिए हमें चाहिए। हाय, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना, मैं हूँ शीतल। आज हम बनाने वाले हैं रेड पम्पकिन सूप। चलिए नोट डाउन करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो लाल भोपला, 1 इंच क्यूब्स में कटा हुआ, 4 बड़े चम्मच बटर, 2 बड़े प्याज स्लाइस किए हुए, 3 तेज पत्ते, 10 से 15 काली मिरी, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1/2 कप फ्रेश क्रीम। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में हम बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, काली मिर्च और प्याज और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, कम से कम 1 से 2 मिनट। अभी हम इसमें डालेंगे लाल भोपला और इसे भी प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 4 कप पानी। अभी हम इसको लिड लगा के बंद करेंगे, 2 सीटी होने तक पकने देंगे। लाल भोपला अच्छी तरह से पक चुका है। जिस पानी में हमने लाल भोपला पकाया था वो पानी भी मैंने रख दिया है, वो आगे जाके सूप को अच्छी तरह कंसिस्टेंसी देने के लिए काम आ जाएगा। अभी हम एक मिक्सी के बाउल में ये लाल भोपले को प्यूरी बनाएंगे। ये देखिए, इसकी अच्छी तरह से प्यूरी हो चुकी है। सबसे पहले हम एक नॉनस्टिक पैन को गर्म करेंगे। अभी हम इसमें ब्लेंड किया हुआ पम्पकिन प्यूरे डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कप पम्पकिन स्टॉक या फिर पानी और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे नमक और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे वाइट पेपर पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। सूप को हम कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे नींबू का जूस और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। सूप रेडी है। चलिए अभी इसे हम सूप प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी इसे हम फ्रेश क्रीम के साथ गार्निश करके सर्व कर लेंगे। लीजिए, गर्मा गर्म रेड पम्पकिन सूप रेडी है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए।